तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं गणेश चतुर्थी का फोटो। आप मतलब कल गणेश चतुर्थी आने वाला है, ठीक है? तो हम उसी का एडिटिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गणेश जी है, ठीक है? तो अभी एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को शेयर कर लेते हैं पिकार्ट एप्लीकेशन के, ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, हम इस वाले बैकग्राउंड को शेयर कर लेते हैं पिकार्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, पिकार्ट एप्लीकेशन में आ जाएगा। आने के बाद फ्रेंड्स, आपका फोटो जो है पिकार्ट एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपको दूसरा नंबर मिलेगा टूल्स का ऑप्शन, टूल्स पे आना है, रिसाइज का ऑप्शन नीचे देख लेना है। उस पर आने के बाद आपको जो यहाँ 480 है, इसको आपको 3090 कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ आ गया 2952, ठीक है? इसको पूरा कट करेंगे, 2952 कर लेंगे, रिसाइज कर लेंगे, जिससे क्या होगा आपका फोटो फटेगा नहीं, ठीक है? इसके बाद इधर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, उसके बाद आपको ऐड फोटो पे आना होगा। ऐड फोटो पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, एक फोटो को लगाना है, ठीक है? तो मैं सिंपली जो फोटो को लगाना है उसका बैकग्राउंड मैंने कट करके रखा हुआ था, ठीक है? अभी कट कर लीजिएगा, अगर नहीं आता हो तो आपको क्या होगा, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा एक क्लिक में कैसे कट करते हैं फोटो को, ठीक है? तो मैं सिंपली यहाँ से उसको क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार का आपको ऐड कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स? कुछ इस प्रकार का फोटो आपको होना चाहिए और इस प्रकार ऐड कर लेंगे। इतना करने में आपको फिर से ऐड फोटो पे आना है। ऐड फोटो पे आने के बाद एक आपको क्या करना है, शेडो को ऐड करना है, ठीक है? सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हड़बड़ाना मत, ठीक है? डिस्क्रिप्शन नीचे आपको क्या जाना होता है और वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। वहाँ आने के बाद आपको क्या करना होगा, इधर पर स्क्रॉल कीजिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग अपने में डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे को थोड़ा ज़्यादा पीडीएफ है। ये वाला आपको शेडो को जो है इधर की ओर लगाना है, ठीक है? जिससे आपको लगे कि ये रियलिटी में बैठा हुआ है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको क्या करना होगा, मूव डाउन कर लेना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको छोड़ देना है, फिर से इसी पे आना है, ठीक है? फिर से ऐड फोटो पे आएंगे और उसी वाले शेडो को फिर से हम ले लेंगे, और जो जूता होता है उस पे लगाने के लिए, ठीक है? तो मैं सिंपली उस पे आता हूँ, ऐड फोटो पे आता हूँ और इसको लगा लेता हूँ। तो सिंपली चल दो, लगा लेते हैं हम लोग इसको। सॉरी फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा छोटा करना चाहते थे, बट ये फोटो ही हट गया, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम आएंगे, ठीक है? इतना करने के बाद इसको हम थोड़ा सा से, यार क्या हो रहा है, इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ से इरेजर पे आना है, ठीक है? इरेजर पे आने के बाद यहाँ से कट कर लीजिएगा, सिंपली ऐसे भी कट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं सिंपली यहाँ से कट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, डन कर लेना है, फिर से डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से करके यहाँ पे भी लगा लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? इतना करने से आप देख सकते हो थोड़ा सा इरेजर, मतलब ये शौक के लिए है, बट लगा लीजिएगा, लेकिन ठीक है? इतना करने फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, फिर से ऐड फोटो पे आना होगा। ऐड फोटो पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से जेंट मतलब डाउनलोड हम करके रखते हुए यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना करने का डाउनलोड पे आना होगा। डाउनलोड पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, PNG ऐड करना होगा। जितना PNG आपको मिले उतना ऐड करना है। यहाँ से ऐड हम ये वाला PNG फर्स्ट, मतलब ये वाला फर्स्ट बार पहले ये PNG हम ऐड करेंगे, ठीक है? तो मैं सिंपली आप लोग ऐसे करके थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा ना, तो ये खुद खुद ब खुद अपने आप सेट हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, इतना पर करके आप देख सकते हो मेरा कितना अच्छा सेव हो चुका है, ठीक है? सेव नहीं, मतलब सेटअप हो चुका है। फिर से ऐड फोटो पे आएंगे और एक और बैकग्राउंड सॉरी फ्रेंड्स PNG जो है उसको ऐड करना करेंगे, ठीक है? फिर से डाउनलोड पे आ गए, फिर से आपको क्या करना है, इधर पूरा स्क्रॉल कीजिएगा, इस वाले PNG को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस वाले PNG को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो हम सिंपली यहाँ से ऐड कर लेते हैं। इतना करना फ्रेंड्स आप कुछ इस प्रकार के लगा लीजिएगा, फिर से डुप्लीकेट कीजिएगा, फिर से यहीं पे आके लगा लीजिएगा, फिर से डुप्लीकेट कीजिएगा और इधर की ओर लगा लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और कुछ इस प्रकार का लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? इतना करना फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने लगा लिया है, ठीक है? अभी फोटो को डन नहीं करना है, फिर से ऐड फोटो पे आना है। ऐड फोटो आने का एक और शेडो को लगाना है, ठीक है? तो सिंपली हम डाउनलोड पे जाते हैं। एक और हमारा जो शेडो है ये पीला कलर है, ये लोग कोई भी आप लगा सकते हो, ठीक है? तो मैं सिंपली पीला कलर को लगा कर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से बड़ा कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है फ्रेंड्स? और इधर की ओर थोड़ा करके इसका जो तो ये जो है ऑपेसिटी, इसको कम कर लेंगे, डन कर लेंगे। डन करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ से डन हो जाएगा फोटो आपका, ठीक है फ्रेंड्स? आप देख सकते हो डन करने, फिर से ऐड फोटो पे आएंगे। ऐड फोटो पे आने के बाद फिर से आपको क्या करना होगा, डाउनलोड पे आना होगा। इधर की ओर आने के बाद आपको इस वाले PNG को ऐड करना होगा, ठीक है?
ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसको चूज करने के बाद आपको इसको भी थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, ये दोनों अपने आप सेट हो जाएगा। इधर करने के बाद आप कुछ इस प्रकार का नीचे सेट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद एक पूजा की थाली जो है उसको चूज करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली उस लड्डू वाला को चूज कर लेता हूँ। तो सिंपली हम इस वाले लड्डू को यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। आप भी कुछ इस प्रकार का कर लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा करेंगे और कुछ इस प्रकार का हम सेट कर लेंगे। इतना करने आप देख सकते हो मैंने कर लिया है, ठीक है। इसका भी आप सेचुरेशन अगर कम करना चाहते, सॉरी ओपेसिटी कम करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। इतना पर करने का, इतना करने का फ्रेंड आपको फिर से ऐड फोटो पे आना है। और एक और आपको पीएनजी क्या है वो मैं आपको दे दूँ, यहाँ से उसे डाउनलोड पे आना है। और डाउनलोड पे आने के बाद आपको इस वाले पीएनजी को, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो घास का है, सॉरी फ्रेंड्स घास है या क्या है मेरे को भी देख नहीं रहा, घास ही है, ठीक है। इस वाले पीएनजी को आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। फिर से डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ लगा लेंगे, फिर से डुप्लीकेट करेंगे, मैंने जहाँ तक मतलब नहीं आ रहा है वहाँ तक लाने के लिए डुप्लीकेट करते जाएंगे और लगा लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड। इतना फिर से ऐड फोटो पे आएंगे, ऐड फोटो पे आने के बाद ये लास्ट जो पीएनजी है उसको लगाने जा रहे हैं, ठीक है। डाउनलोड पे आएंगे, डाउनलोड पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, लास्ट पीएनजी जो है वो आपको क्या करना होगा, ये गणेश चतुर्थी, ठीक है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से जूम करके यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है, जिससे लगे हाँ ये गणेश चतुर्थी का पिक है, ठीक है फ्रेंड। आप देख सकते हो मैंने जो जैसा पिक बनाया था वैसा बन चुका है, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है फ्रेंड। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।